good morning all of you today we will discuss about the structure of alkanes as we all know the alkanes are those compound in which there is a single bond in between the carbon and carbon atom and have the general formula cnh2n plus 2 so in the today's lecture we will discuss about the structure of these different alkanes mainly two alkanes we will discuss in today's lecture first one is the methane followed by the ethane

आप इन तीनों के बेसिस के ऊपर मिथेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं सिमिलरली हम हमारा नेक्स्ट जो कंपाउंड होगा मिथेन के बाद वो इथेन होगा फिर हम इथेन की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन और सिमिलरली फिर आप वैलेंस बोर्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी को भी यूटिलाइज करते हुए आप जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं सो नाउ स्टार्ट अवर टूडेज लेक्चर दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मिथेन ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन हम जो हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है वो पहले ही हम आपको यानी टीच कर चुके हैं आप उसके लिए अलग से हाइब्रिडाइजेशन वाला जो वीडियो लेक्चर है आप उसको दोबारा से सुन सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किससे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस के ऊपर आप कैसे किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं वो पहले ही आपको स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग वाले पार्ट के अंदर पढ़ाया जा चुका है तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम सिर्फ दो ही कंपाउंड लेंगे यहाँ पे एक मिथेन और दूसरा आपका इथेन so now starts our today's lecture about the structure of the methane and the ethane in the first part we will discuss about the structure of the methane on the basis of the hybridization as we all know about the electronic configuration of the carbon as the एटॉमिक एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ़ द कार्बन कार्बन का जो है है वो और जब आप कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे ऑन द द द द द द द ऑफ़ ऑफ़ डिफ़रेंट रूल्स दैट प्रिंसिपल तो फर्स्ट ऑल वी विल फिल इलेक्ट्रॉन इन 1s फॉलोड बाय 2s the 2p सो so इलेक्ट्रॉनिक

लेकिन जब हम मिथेन की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो साफ साफ क्लियर है आपको यहां पे मिथेन के फार्मूले के अंदर सी एच फोर मीन्स कार्बन से चार हाइड्रोजन अटैच है चार हाइड्रोजन अटैच होने का मतलब कि जो कार्बन है उसको चार बॉन्ड बनाने हैं लेकिन जो ये ग्राउंड स्टेट वाली कॉन्ग्रेशन है कार्बन इट रिफ्लेक्ट दैट द कार्बन हैज ओनली टू इलेक्ट्रॉन टू अनपेड इलेक्ट्रॉन इन देयर वेलेंशियल कार्बन की वैलेंस शेल में तो चार इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन आउट ऑफ दीस फोर इलेक्ट्रॉन्स ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड मींस ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन ऑफ द कार्बन एटम द कार्बन कैन फॉर्म ओनली टू कोवेलेंट बॉन्ड तो फिर अब हम क्या करें अब हम देखेंगे इसकी एक्साइटेड स्टेट इन द एक्साइटेड स्टेट द वन ऑफ दी 2s इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड यानी जंप कर जाएगा किसके अंदर जंप कर जाएगा आपके 2p के अंदर लेकिन उससे पहले हम कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं अब हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन का एटोमिक नंबर है वन कॉन्फिग्रेशन क्या होगी वन एस वन मीन्स हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है आपका वन एस उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है हमने हाफ एरो से शो किया रेड कलर से इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम जो कार्बन था हमने देखा कि एक हाइड्रोजन तो एक ही बोर्ड बना सकता है वन हाइड्रोजन एटम कैन फॉर्म ओनली वन बॉन्ड

अब चार अनपेड इलेक्ट्रॉन लाने के लिए हमें लिखनी पड़ेगी कार्बन की एक्साइटेड स्टेट रहेगा वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन द टू एस एंड द टू पी 2s, 2S, 2S कार्बन के अंदर जो 2s है और जो 2p है उसके बीच में एनर्जी डिफरेंस काफी कम है बिकॉज ऑफ दैट रीजन द 2s इलेक्ट्रॉन कैन इजीली बी एक्साइटेड इनटू द

2PX, 2P, y, 2PZ. सभी की क्या थी बोलो शेप एक जैसी थी नहीं थी देखो टू एस की, है? है. की कैसी है तो अब क्या हुआ ये जो चारो ऑर्बिटल थे वो क्या कर गए आपस में इंटरमिक्स इंटरमिक्स करने के बाद क्या हुआ नए ऑर्बिटल बने कितने बने जितने इंटरमिक्स किए थे उतने ही नए बने चार ऑर्बिटल इंटरमिक्स किए हैं एक तो 2s वाला है और तीन आपके 2p वाले हैं जब ये आपस में इंटरमिक्स किए तो चार ही नए ऑर्बिटल बने जो चार नए बने उन सभी की एनर्जी क्या होगी सेम सभी की शेप क्या होगी सेम और उन सभी का नाम एक जैसा होगा सभी को कहेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चारों का नाम एक ही होगा तो मीन्स द 1 2s और the 3 2p orbital intermix to undergo the sp3 hybridization and thus they give the same number of new orbital with the same energy and the same shape. After that हम क्या कह सकते हैं कि alkane के अंदर आपके alkane के अंदर हर एक जो carbon होता है उसकी क्या hybridization होती हो कौन सी hybridization show करता है in alkane each carbon atom is sp3 hybridized हर carbon बोलो क्या होता है sp3 hybridized होता है और फिर उससे क्या हो जाता है और आपके जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बनने के बाद क्या होगा जब हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस चल जाएगी उसके बाद क्या होगा दिस ऑल द sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दे गेट ओरिएंटेड देमसेल्फ एट एन एंगल ऑफ 109.5 डिग्री 109.5 डिग्री के ऊपर ये अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं और ये जो स्ट्रक्चर बनती है उसे कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलो कैसी स्ट्रक्चर

और सेंट्रल एटम और जो ओर से करते हैं कि उनके बीच में जो एंगल है वो डिग्री का होता है 109 डिग्री अट्ठाइस होता है और इस तरीके की जो शेप बनती है उसे आप कहते हैं टेट्राहेडल शेप अब इसके बाद क्या होगा आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल ने अपने आपको ओरियंट कर लिया है जो सेंट्रल एटम के ऊपर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे उन्होंने अपने आपको क्या कर लिया है ओरिएंट अब उसके बाद क्या होगा

अब चारों sp3 थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर हरेक के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है अब उन सभी के पास बोलो कौन आएगा H एटम आएगा अपने ऑर्बिटल्स के साथ और हर एक ऑर्बिटल में क्या है वहां पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है अब नाउ दे विल अंडर गो दैपिंग अब इनके बीच बोलो क्या होगी अवरलैपिंग होगी और अवरलैपिंग होने के बाद देखो ये हमने शो की फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और इस से bond बन गए कार्बन ने अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली कार्बन ने अपने पूरे के पूरे चार बॉन्ड बना दिए और इस टेप से ये फाइनल स्ट्रक्चर बन गई और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बोलो लोग कैसी टेट्राहेड्रल शेप कैसी टेट्राहेड्रल क्योंकि कोई लॉन्पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के ऊपर इसलिए रेगुलर ज्वेट्री रही इसलिए ज्योमेट्री और शेप दोनों की दोनों बोलो क्या होंगी यहाँ पे टेट्राहेड्रल होंगी तो इस स्टेप से हमने एक्सप्लेन की स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन एक आप जरूर ध्यान रखें एग्जाम में जब कभी भी आपकी कोई भी स्ट्रक्चर आती है ये तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ एल्केन की स्ट्रक्चर को ही स्टडी कर रहे हैं कोई भी स्ट्रक्चर आपसे एग्जाम में पूछी जाए चाहे वो अमोनिया की हो वाटर की हो किसी भी चीज की हो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो तो जो वे होगा उसको एक्सप्लेन करने का वो हमेशा ही बिल्कुल सेम रहता है ऐसे सबसे सबसे पहली स्टेप में में आप आप जो सेंट्रल 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 एटम 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 है जैसे मिथेन में कौन था कार्बन आप सबसे पहले की लिखते हैं उसके बाद नेबरिंग एटम कौन है यहाँ पे हाइड्रोजन आप नेबरिंग एटम की कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं फिर ये देखते हैं नेबरिंग एटम के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है आपने देखा हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था और फार्मूले के अंदर सी में चार हाइड्रोजन है तो चार अनपेड इलेक्ट्रोन

जो 2p ऑर्बिटल थे वो आपस आपस में क्या कर गए मतलब उसके बाद सेंट्रल एटम के चारों तरफ चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को टेट्राहेड्रल तरीके से ओरिएंट कर लेते हैं ताकि जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल हो वो 109.5 डिग्री का होगा उसके बाद जो हाइड्रोजन के है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन है वो वहां से कार्बन चार हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है फोर इट मीनस कार्बन ने अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली कार्बन ने चार बॉन्ड बना लिए और इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बनी वो बन गई आपकी टेट्राहेड्रल शेप भी क्या रही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या रही टेट्राहेड्रल दोनों चीजें सेम क्यों हैं क्योंकि सेंट्रल कार्बोनेटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है कोई आपसे पूछे की स्ट्रक्चर कैसी है रेगुलर है या तो आप कहेंगे मिथेन की स्ट्रक्चर रेगुलर है क्यों है रेगुलर बिकॉज देर इज नो पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल कार्बोनेटम अब हम एक्सप्लेन करेंगे इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मिथेन ही लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा था तो हम उसके लिए कुछ पॉइंट तो बिल्कुल कॉमन रहेंगे जो भी हमने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस के ऊपर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की थी स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम रहने होते हैं तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे राइट डाउन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द कार्बन हैविंग एस टू टू एस टू टू यू हैव फिल्ड द इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट शेल और बेसिस ऑफ डिफरेंट रूल्स

2S के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन जो हमने फिलअप इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल चला उसके बाद हमने टू पी के अंदर दो इलेक्ट्रॉन भरे तो हंड्स रूल चला पहले एक के कर के तो हमने एक करके भरो करके भरा वन एंड वन टू दो ही इलेक्ट्रॉन थे इसके बाद हमने हाइड्रोजन की कॉन्गेशन लिखी वन एस वन उसको भी ओपन फॉर्म में लिखा हाइड्रोजन हैज ओनली वन अनपेड इलेक्ट्रॉन मींस हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा मिथेन के अंदर टाइप से चार हाइड्रोजन है तो इसलिए चार हाइड्रोजन चार बॉन्ड बनाएंगे इसलिए कार्बन के पास चार अनपेड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है द कार्बन एटम मस्ट हैव है फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड विद द नेबरिंग हाइड्रोजन एटम तो सो वी हैव द रिक्वायरमेंट टू कन्वर्ट दैट ग्राउंड स्टेट इन टू द एक्साइटेड स्टेट

ये अपना एक अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और वन अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके और कार्बन के पास साथ क्या करेगा कार्बन के ऑर्बिटल के साथ देखो इस टाइप से हम शो करते हैं डोटेड लाइन से ये ओवरलैपिंग को हम किस टाइप से शो करेंगे बाय ड्राइंग द डोटेड लाइन अमंग द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन एंड द हाइड्रोजन Which represents the overlapping. इस टाइप से overlapping को शो किया जाता है Similarly, अब ये next हाइड्रोजन का ऑर्बिटल आया फिर से देखो उसी टाइप से हम में शो करेंगे। ये हमने फिर से शो कर दी ये नेक्स्ट थर्ड हाइड्रोजन आया उसका एटोमिक ऑर्बिटल वन एस तो फिर से हमने देखो अवरलैपिंग शो करेंगे बाय ड्राइंग द डॉटेड लाइन अराउंड द एटोमिक ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल कार्बन एटम एंड द हाइड्रोजन एटम

हमें पॉइंट तो लिखने होते हैं किसके बारे में जब हमें एक्सप्लेन करनी हो स्ट्रक्चर मिथेन की या किसी और भी कंपाउंड की ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इसी टाइप से जो स्ट्रक्चर है जो ज्योमेट्री है जो शेप है वो दोबारा से वही टेट्रा रहेगी ये रेगुलर ज्योमेट्री है ये इरेग्युलर या डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री नहीं होगी मिथेन की क्योंकि जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसके पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है सो दैट्स द एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मिथेन ऑन द बेस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी

वो सेंट्रल एटम क्यों है क्योंकि बेसिक तरीका आपको देखना हो तो क्या करेंगे जैसे सी एच फोर जो संख्या में कम दिखे कार्बन एक है हाइड्रोजन चार है जो कम दिखे वो सेंट्रल एटम होता है जो ज्यादा दिखे वो नेबरिंग एटम होते हैं पहला तरीका तो ये है जो बेसिकली आप अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्गेशन को देखते हुए जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है उसकी वैलेंसी होती है फोर हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है वन तो जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है वो आपका कौन होता है बोलो सेंट्रल एटम तो यहाँ पे जो कार्बन है उसकी कॉन्गेशन आपने लिखी और बोलो क्या लिखिए आपने वन एस टू टू एस टू टू पी टू को ओपन फॉर्म में लिखेंगे 2S के अंदर दो इलेक्ट्रॉन बाय अप्लाइंग द पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल टू पी के अंदर दो इलेक्ट्रॉन बाय बायप्लाइंग द रूल उसके बाद हाइड्रोजन की कॉन्गेशन आपने लिखी वन एस वन उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन जो हमने शो किया एक्सप्लेन किया यहाँ पे के, 1S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाफ एरो से आप हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे एक चीज और आपको बता दें आप ध्यान रखें जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं आप ये गलती कभी नहीं करेंगे कि आप एक इलेक्ट्रॉन को फुल एरो से दिखाएं आप हमेशा ही एक इलेक्ट्रॉन को हाफ एरो से रिप्रेजेंट करेंगे फुल एरो मीन्स

मिथेन के फार्मूले के अंदर चार हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से हाइड्रोजन एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा एक हाइड्रोजन एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा मिथेन में चार हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन चार कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे इसीलिए सेंट्रल कार्बन एटम के पास भी चार अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लेकिन ग्राउंड स्टेट के अंदर कार्बन के पास उसी टाइप से दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए वी हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द कार्बन एटम नाउ एक्साइट वन ऑफ द टू एस इलेक्ट्रॉन इन द टू पी नाव इन द एक्साइटेड स्टेट द कार्बन चार बोन्ड बना सकता है अब हम क्या करेंगे इन द मिथेन अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो मिथेन है जो वेस्पर थ्योरी के बेसिस के ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इन मिथेन द फोर फोर बोलो कौन है हाफ फिल्ड एटोमिक ऑर्बिटर ऑफ द कार्बन एटम नाउ अवर लैब Now, our lab, आप नीचे देखते चले जाए थे इलेक्ट्रॉन है जो ब्लू हाफ है उसे हमने शो किया तो इन वि थे कार्बोन एटम नाव अवर हाँ लैब विद्ड एटोमिक ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन देखो हमने ये जो हाइड्रोजन है वो आया कार्बन के चार जो आपके ऑर्बिटल थे जिनके पास एक एक, एक अनपीड इलेक्ट्रॉन है चार हाइड्रोजन आते हैं और वो ओवरलैपिंग कर देते हैं ओवरलैपिंग करने से क्या होगा अब जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसके चार तरफ बोलो कौन है बॉन्ड ही बने हैं कोई लोन पेयर तो है नहीं तो जो बॉन्ड में काम आए ऐसे इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर कहते हैं नाउ द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अराउंडल आइटम अरेज इन सच ए वे दैट देर अकर्स दिनिम रिपल्शन बिटवीन दम अब जो सेंट्रल कार्बोन एटम है उसके चारों तरफ जो ये बॉन्ड पेय इलेक्ट्रॉन है ये अपने आप को कुछ इस टाइप से अरेंज कर लेंगे ताकि इनके बीच में रिपल्शन कम कम से से हो और जब ये इस टाइप अपने आप को अरेंज करेंगे तो जहां पे भी जाके ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रुकेंगे स्पेस के अंदर जहां पे भी रुक गए वही उसकी स्ट्रक्चर बन गई और जहां पे जाके रुके ये पाया गया कि वो रुकने वाली जो जगह थी वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर थी और जब रुके तो उसके बाद जो डिफरेंट जो बॉन्ड बने जो बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बॉन्ड बना वो 109 डिग्री पांच मिनट का था 109 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल था सो so, इस टाइप से स्ट्रक्चर मिल गई और उस स्ट्रक्चर कौन सी मिली बोलो जोट्री कैसी मिली ज्योमेट्री और शेप दोनों उसी टाइप से टेट्राहेड्रल है क्योंकि सेंट्रल कार्नेटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो वेस्पर थ्योरी ने क्या कहा था वेस्पर थ्योरी थ्योरी ने यही तो कहा था नाम सजेस्ट करता है वी का का मतलब मतलब वैलेंस वैलेंस एस शेल शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर ईपी का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर या तो बॉन्ड पेयर होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर कहलाते हैं क्योंकि वो बॉन्ड बनाने में काम आते हैं या लोन पेयर होते हैं जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के काम आ सकते हैं आपके जो जो पेयर 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 होते हैं अब सेंट्रल एटम के चारों तरफ चाहे वो हो, चाहे वो हो हो बॉन्ड उनके बीच में रिपल्शन होती रहती है और रिपल्शन होगी तो वो अपने आप को उस जगह के ऊपर जाके फिक्स कर लेंगे जहां पे उनके बीच में रिपल्शन क्या हो कम से कम क्योंकि यूनिवर्स में हर कोई क्या चाहता है स्टेबल होना तो मींस हर कोई क्योंकि स्टेबल होना चाहता है तो इसलिए जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो बॉन्ड बॉन्डपेर इलेक्ट्रॉन है मिथेन केस में यहाँ पे वो अपने आप को वहां पे जाकर रोक लेंगे जहां पे उनके बीच में रिपल्शन कम से कम रिपल्शन हो, तो होगी ही लेकिन जहां पे रिपल्शन कम से कम हो एंड दैट गिव राइज टू द द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड और इस टाइप से जहां पे ये बॉन्ड पेयर जाकर रुके वही बन गई स्ट्रक्चर मिथेन की और वो स्ट्रक्चर क्या बनी टेट्राहाइड्रेट बॉन्ड एंगल कितना हो गया 109.5 डिग्री सो दैट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन ऑन द बेसिस ऑफ दर थ्योरी तो इस से हम वेस्पर थ्योरी के के बेसिस ऊपर की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ध्यान रखें है, अपने कुछ ऐसे अरेंज कर लेंगे के तरफ उनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो सो दैट द रिपल्शन बिटवीन द बॉन्डपेर इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट द सेंट्रल एटम शुड बी मिनिमम लाइन लिखनी जरूरी है जब आप स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करें अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर अगले जो हमारा कंपाउंड है आज का दैट इज द इथेन नाउ वी विल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द इथेन ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन तो आपको इथेन में दिख रहा है कि इथेन के अंदर दो कार्बन है और सिक्स आपके क्या हैं हाइड्रोजन है तो सेंट्रल एटम कौन है दोबारा से वही कार्बन है तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन उसी टाइप से लिखेंगे 1s2 2s2 2p2 ये हमने वैलेंस शेल को

1S1, उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस के ऊपर हमने कैसे एक्सप्लेन की की थी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इथेन तो बोलो इसमें क्या करें बिल्कुल वही चीज आपके हर एक जो कार्बन है क्योंकि दो कार्बन है दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगी क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कोई भी जो एल्केन होता है मिथेन, इथेन प्रोपेन एनीवन, कोई भी आपका एल्केन क्यों ना हो हर एक एल्केन के अंदर जो कार्बन एटम होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 बोलो क्या है हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी sp3 अब इसमें भी क्या होगा जो 1s और 2p जो ऑर्बिटल हैं तीनों के तीनों 2p और एक 1s टोटल चार ऑर्बिटल हो गए नाउ दे विल अंडरगो इंटरमिक्सिंग उनकी हम इंटरमिक्सिंग कर देंगे दे विल अंडरगो द हाइब्रिडाइजेशन दैट इज कॉल्ड एज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि एक S और तीन आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन है का नाम है sp3 तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये शो करेंगे और उसके बाद कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे उसी टाइप से चार नए ऑर्बिटल बनेंगे चारों का नाम क्या होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा तो sp3 जो हाइब्रिडल होंगे सभी के सभी की एनर्जी सेम सभी के सभी की शेप भी सेम होगी तो मींस इन केस ऑफ द इथेन आल्सो ईच कार्बन एटम अंडरगो द sp3 हाइब्रिडाइजेशन ईच कार्बन एटम अंडरगो द sp3 हाइब्रिडाइजेशन मींस वन s एंड द 3p एंड द 3 2p एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन

और उन्होंने अपने आप को कुछ ऐसे ओरिएंट कर लिया की अब उनके बीच में बोलो बोड एंगल कितने का होगा एक सौ नौ पॉइंट पांच डिग्री ये कार्बन को दिखाया ऐसे दूसरे कार्बन को देखो जो हमने साइड में ड्रा किया उस कार्बन के उपास उप भी बोलो क्या है वही चार एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल है और सभी ने अपने, an regular regular अपने आप को कैसे ओरिएंट किया एट एन रेगुलर टेट्राहेड्रन की दोनों कार्बन के ऊपर क्या है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है बोलो क्या है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अब इसके बाद क्या होगा अब जो आपके टोटल सिक्स हाइड्रोजन है C2H6 में देखें सिक्स हाइड्रोजन जो है उनका रेगुलर आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तीन जो आपके हाइड्रोजन विद अनपेड इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे एक कार्बन के पास रिमेनिंग थ्री कहां पे गए देखो अभी आपने देखा दूसरे कार्बन के के पास अब किस-किस बीच होगी देखो बिल्कुल क्लियर कट अब आपको दिखी गया होगा इस डायग्राम के थ्रू जो आप समझ पा रहे होंगे नाउ द ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बोलो किस, -किस के बीच होगी मीन्स वन ऑफ द एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल वन ऑफ द एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन विद अवरलैप अदर देखो ध्यान से देखो इसमें हमने क्या दिखाया कि जो दो कार्बन एटम थे उनका एसपी एक कार्बन का, का, के ओवरलैपिंग एक एक की और ये ओवरलैपिंग हुई द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड और इस टाइप से सिग्मा बॉन्ड बन गया हमने अभी तक ओवरलैपिंग दिखाई है कार्बन और कार्बन के बीच अब ये सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद अब एक कार्बन एटम के पास क्या बच गए तीन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गए तीनों के पास एक-एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है अब ये क्या करेंगे नाउ दिस रिमेनिंग 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन ईच ऑफ द कार्बन एटम नाउ ओवरलैप किसके साथ ओवरलैप करेंगे नाउ दे ओवरलैप विद द बोलो किसके साथ हाइड्रोजन एटम एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम आएगा वो अपने एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके देखो आया रेड कलर से हमने शो किया और इस तरह से बन गया बोलो क्या

किसी कंपाउंड की कोई भी स्ट्रक्चर को आप एक्सप्लेन करें ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे ध्यान रखें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है वैसे तो आप बेसिकली ध्यान रखेंगे ही कि हर हर एक एक एल्केन 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 के के अंदर अंदर कोई भी हो के के अंदर जो कार्बन एटम होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगी लेकिन अब देखो जो फाइनल स्ट्रक्चर बन गई तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने का एक फार्मूला भी है ना जो आपने याद किया था पहले कि हाइब्रिड स्टेट इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर तो जो इथेन की जो स्ट्रक्चर लास्ट में बनी है देखो ये स्ट्रक्चर इसमें आप देखें हर एक किसी भी एक कार्बन को ले ले उसने बोलो चार बॉन्ड बनाए चारों सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होते हैं देखो चार सिग्मा हो गए तो इसलिए क्या लिखेंगे फोर सिग्मा लॉन पेयर कोई है नहीं तो आंसर आ गया फोर फोर का मतलब क्या होता है एक एस और थ्री पी तो एसपी थ्री हाइब्रोडाइजेशन दिखाता है तो यानी इथेन के अंदर जो कार्बन था हर एक कार्बन की बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या है एसपी थ्री तो इस तरीके से हमने ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की थी इनकी ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सिमिलरली आप इथेन की स्ट्रक्चर भी जैसे हमने पीछे एक्सप्लेन की थी ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और द वेस्पर थ्योरी आप बिल्कुल उसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा आप उसको एक्सप्लेन करेंगे जैसे आपको मिथेन के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया था सो दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर आज के लेक्चर में हमने क्या एक्सप्लेन किया स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स और कौन सी एल्केन लिए हमने एक तो हमने मिथेन लिया और दूसरा मिथेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी एंड फाइनली ऑन द बेस ऑफ वेस्पर थ्योरी और इथेन की स्ट्रक्चर the हमने एक्सप्लेन की ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सो थैंक यू दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया और चीजों की आप घर पे आराम से बैठ के प्रैक्टिस करेंगे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू